और एक और बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज हुई। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे और वो जेल से ही दिल्ली की कमान संभालते रहेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए अरविंद केजरीवाल को, ये जो याचिका लगाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोची समझी साजिश है और कोर्ट से ही बाकायदा वो चलाते रहेंगे सरकार। न्यूज 18 इंडिया के विक्रांत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। विक्रांत, अब तो आम आदमी पार्टी इसे क्या एक बड़ी जीत के तौर पर भी पेश करने वाली है? देखिए, पिछली बार भी इसी तरह की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में आई थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने साफ ये कहा था कि इस मामले में चूंकि संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आज भी कोर्ट ने ये कहा कि जो राष्ट्रहित है वो व्यक्ति हित से ऊपर होता है, लेकिन हम इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकते। न्यायिक हस्तक्षेप इस तरह के मामलों में नहीं किया जा सकता, ये व्यक्ति का अपना फैसला है, या फिर इस मामले में एलजी और राष्ट्रपति फैसला ले सकते हैं। हम एलजी को क्यों सलाह दें? एलजी अपने आप कानून के मुताबिक इस मामले में कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि सरकार चल रही है या नहीं चल रही, इसको तय करने के लिए एलजी और राष्ट्रपति ही सक्षम हैं, वही इस मामले में फैसला कर सकते हैं। तो एक तरह से कोर्ट ने ये याचिका इसलिए खारिज की है क्योंकि संविधान में संवैधानिक रूप से कोई रोक नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है किसी मामले में सिटिंग चीफ मिनिस्टर तो उसे इस्तीफा देना होगा, इस तरीके की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। इसी कारण कोर्ट ने इसे दूसरी बार खारिज किया, सेम याचिका पहले भी आई थी, अब खारिज किया और साथ साथ ये कहा है कि एलजी और राष्ट्रपति अगर उन्हें लगता है तो वो तरफ से एलजी को किसी भी तरह का कोई दायित्व नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।